many millions face in the scene, but this story is about just one of them and a very small one at that. समुद्र में लाखों की तादाद में मछलियां होती हैं, लेकिन उनमें से ये एक मछली की स्टोरी है, एक फिश की स्टोरी है जो बहुत ही छोटी है. Now this little fish had everything in the sea to make him contented, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. यूं तो समुद्र में जो चाहिए उसको सब कुछ उसको वहाँ पे पर्याप्त था, लेकिन वो खुश नहीं थी. और आप हंसेंगे कि वो ऐसा क्यों, क्यों वो खुश नहीं थी. बस उसको क्या था प्रॉब्लम कि उसका साइज बहुत छोटा था. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फेस, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, इफ आई वेयर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. यहाँ वो क्या कह रही है कि माइट मीन्स होता है छोटा सा जंतु. उसको अपने आप को, वो अपने आप को बहुत ही छोटा समझने लगे थी कि मैं बिल्कुल एक जंतु जितनी हूँ, बहुत ही छोटी हूँ. कितना अच्छा होता कि मैं भी थोड़ा बड़ी होती, मैं कितनी तब खुश होती. और अब तो ऐसा लगने लगा है कि अब वो खुद को बिल्कुल ज़्यादा ही छोटा महसूस करने लग गई है. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जेस्ट फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही व्हेन सडनली विद नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैसेस ऑफ अ ग्रेट नेट. एक दिन क्या होता है, वो अपने स्कूल के साथ सब स्विमिंग कर रही होती है और सडनली क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फिश होती है उसके साथ में होती है वो, और एक नेट आके जाल आके उनके ऊपर गिरती है. विदाउट एनी वार्निंग आ जाती है, सडनली एक नेट आ जाती है उनके ऊपर. दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैसेस ऑफ अ ग्रेट नेट. वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, नेट के अंदर फंसा हुआ पाते हैं. देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वॉटर इन टू द सनलाइट. Just as its heart was being amputated, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि वो जाल जैसे ही पानी में गिरी, पानी एकदम से उछला है, splashing होता है पानी उछलना, उड़ना. और वहाँ पे क्या होता है, सब मछलियों में हड़बड़ी मच जाती है अंदर से जाल में. नेट जैसे ऊपर को आती है ना सनलाइट में, तो पूरा का पूरा मछलियाँ छटपटाने लगती हैं. वहाँ से एक एम्प्टी मतलब खाली हो जाती है, निकल जाती है. कौन निकलती है, जो छोटी मछली होती है ना वो उसमें से निकल जाती है इनटू द बोट. हो उस बोट की तरफ, वो जाल तो बोट खींच रहा है और लेकिन एक छोटी सी मछली वो उसमें से निकलती है. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिटर्न थ्रू द मैस एंड स्विम बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर. हाउ गुड इट फेल्ट. क्या होता है, जाल उसमें से निकली नदी में से, और जो जाल के जो छोटे छोटे ये होल्स हैं ना, इसमें से ये छोटी है फिश वो स्लिप होके निकल जाती है. रिकर्ड मतलब कि जो छोटे छोटे उसके ये उसके पंख दिए हैं ना, उससे वो पंख उसे वो फड़फड़ाती है और स्लिप होके बाहर निकल जाती है ठंडे साफ वाटर में. और फिर वो बहुत ही अच्छा महसूस करती है. ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर. वो यहाँ वहाँ और सभी जगह तैरने लगती है. एंड सम ऑफ द फिश हू न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विशेस टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश. पूरे लाइफ में सबको मतलब क्या था कि उस हमेशा ऐसे ही बोलती थी कि मेरा साइज छोटा है. वो साइज की वजह से वो सभी मछलियों को पता था कि अपने साइज को लेके बहुत दुखी रहती है. लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो अपनी साइज से बहुत खुश हो जाती है. और फिर और कोई फिर बाद में वो ये बात कहती नहीं है कि भाई मैं बहुत छोटी हूँ, क्योंकि अगर वो बड़ी होती तो वो भी बाकी मछलियों की तरह जाल में फंसी रहती. और छोटे होने के कारण वो स्लिप हुई और निकल गई. अब मैं इसका समरी पढ़ लेती हूँ स्टूडेंट्स, जस्ट अ मोमेंट. Thank you.
Now students, summary. Once in a sea, there lived a little fish who always complained of being very small. One day he was swimming along with the rest of his school. Suddenly they all found themselves in the meshes of a great net. But the little fish escaped from the net and swam happily. After that day, he never complained about his small size. समझ गए स्टूडेंट्स, जो स्टोरी में था सेम समरी में है कि भाई वो अपना छोटा साइज की वजह से बड़ी दुखी रहती है, लेकिन उसी साइज को लेकर वो जाल में से निकल पाई और फिर बाद में वो अब कभी भी कंप्लेन नहीं कर रही है, वो कभी कंप्लेन नहीं करेगी कि भाई अब करेगी या करेगा, हिज लिखा है इसलिए उसका जेंडर है करेगा बोलेंगे हम, तो अब वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि भाई मेरा साइज छोटा क्यों है। Vocabulary, contented, satisfied, howl, pull off, full with force, mass is open spaces between wires and ampere to remove everything that is inside. Warning, inform beforehand. Regard, move by the twisting and turning. Floundering, patient movements, splashing to fall noisily onto a surface. Students, हमारा ये जो छोटा सा फिश का स्टोरी था, स्मॉल फिश का, वो कंप्लीट होता है और मैं इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको करती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी बिग, स्मॉल और टॉल, सो टिक ऑन small. One day he was swimming with his school swan colony school. They found themselves in a great net. So take on net. The small fish slipped into the dirty water, hot water, clear water. So take on clear water. Fill in the blanks. The little fish had everything to make him contented. One day he was swimming with his school. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water. The smallest fish wriggled through the mess. Once main bar usko fir se repeat kar deti, the little fish had everything to make him contented. Yahan pe jo word aayega wo fill in the blank mein se yahan se hum select karte hain contented. One day he was swimming with his school. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water. The smallest fish wriggled through the mess. Try true or false for the following statement. The little fish had nothing to make him happy. False. He was unhappy because he was very small. True. They found themselves in the net. True. The smallest fish was unable to slip back into water. False. Last, the fish was happy to be small. True. How many? Now answer the following questions. How many fish are there in the sea? Million of fish were there in the sea. Sea में बहुत सी मछलियाँ होती हैं, millions of होती हैं, लाखों की तादाद में. Why was the little fish unhappy? Because of its small size. What happened to the fish one day? They found themselves in the mess. Why was the fish thankful to be a little fish? The fish slipped back into the water because of its smallest size, so he was thankful. Now look at the pattern and fill in the blanks. यहाँ पे pattern दिया, उसके हिसाब से आपको blank fill करनी है. Look है, उसका लुक है, तो top, top, pig, pig, wish, wished, bark, bark, pull, pull, one wanted, help, help. Now fill in the blanks with the right word from the box. यहाँ से box में से right word choose करके blanks को fill करना है. Glass of water, a bunch of flowers, a box of matches, a heart of cows, a sheet of papers. Papers के sheet होते हैं ना, a sheet of papers, a pack of balls. Now fill in the blanks with the correct word. यहाँ से correct word choose करके blanks को complete करना है. God is singing the melodious song. The baby is crying. The fish is swimming in the water. The thief is running very fast. We are singing an Urdu song. Your question number 18, make sentence of the following words. Fish. The fish is swimming in the water.
lesson. Hard word little fish story. Spoon found swam happily in that and how last one is great. Note, write hard word and question. Question 1 to 4 in notebook. ये मैंने note डाला है. अभी तक हम सारे lesson जो थे वो notebook में भी लिख रहे थे. पूरी की पूरी book तो हमें notebook में छापनी नहीं है students. तो हमें क्या लिखना है? Hard word लिखना है notebook में. और क्या लिखना है? Question 1 to 4. 1 से लेके 4 तक हमें notebook में भी लिखने हैं. और ये हमारी exercise जो हमने आज complete कर दी students. इस तरह से हमारा lesson यहाँ पे 8 complete होता है. With hard word and note. Now students, अब हम क्या करेंगे? Next lecture में हम जो लेने वाले हैं वो होगा हमारा The Balloon Man. कौन सा होगा? The Balloon Man, गुब्बारे वाला जिसे कहते हैं हम, वो lecture होगा students. और अभी तक में मैंने आपको पढ़ा दिया है lesson 8 तक के सारे lesson जो भी हुए हैं. 1 से लेके 8 तक की आपकी एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में और आपकी नोटबुक में कंप्लीट होनी चाहिए. पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. ये हार्ड वर्ड आप लेसन 8 करेंगे, हार्ड वर्ड लिखेंगे 1 से लेके 10 तक और नीचे ये नोट डाल देंगे स्टूडेंट्स. यू कैन सी द स्क्रीन. एक बार मैं हार्ड वर्ड फिर से रिपीट कर देती हूँ. LIWTL लिपिल FISH फेस STORY स्टोरी SCH OOL स्कूल FOUND फाउंड SWAM स्वैम HAPPILY हैप्पीली NET HOUL फाउंड FGREAT ग्रेट.